भदोही जनपद के अंतर्गत ब्लॉक सूर्यावा के क्षेत्रीय ग्राम सभा मौजूदा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आज आयुष्मान भव अभियान मेला आयोजित किया गया है, जिसमें आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनाया जा रहा है। सीएससी सूर्यावा के दीनानाथ सरोज, एनएम रेणुगौड़, शिवानी एएनएम, आशा अनीता श्रीवास्तव, सुषमा मधुबाला, सीता संगिनी, नीलम मंजू के नेतृत्व में आयुष्मान भव अभियान का आयोजन किया गया है, जिसमें लाभार्थी सीता देवी, निर्मला देवी, प्रियंका सानिया, आकाश, प्रियांशु, परमेंद्र, गौतम, बीडीसी आदि लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनवाए। और सीएससी दीनानाथ सरोज ने कहा कि आप अपने मोबाइल से भी आयुष्मान गोल्डन कार्ड बना सकते हैं। आप देख रहे हैं बीएससी 24 न्यूज। भदोही अंतर्गत ब्लॉक सूर्यावा के क्षेत्रीय ग्राम सभा मौजूदा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मौजूदा में इसमें उपस्थित है और सरकार के द्वारा आयुष्मान भारत कार्ड यहाँ बनाया जा रहा है इस उपकेंद्र में। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं और जानकारी लेते हैं कितने जन का बना हुआ है, कैसे बन रहा है। क्या नाम है आपका? तो कैसे आयुष्मान भारत कार्ड जो बन रहा है सरकार के द्वारा, कैसे क्या है, इसमें क्या लाभ है और कैसे बन रहा है? और इसको बनवाने के लिए आपको आधार कार्ड लाना है, राशन कार्ड लाना है, स्वयं आएंगे आप, उसका आधार के बाद अगर बिल आधार से अटैच होगा उसका बिल ओटीपी जाएगा, उसको देना है। उसके बाद फिर आज के दिन में अभी नेटवर्क जाम चल रहा है, बन नहीं रहा बराबर से, मैं लगा हूँ जितना बन सकता है कोशिश कर रहा हूँ बनाऊँ। तो और भी आए हैं आयुष्मान भारत कार्ड बनवाने आए हैं हम लोग, और उनसे भी बात करते हैं और जानकारी लेते हैं कि इनको कैसे मालूम हुआ, क्या कैसे ये क्या लाए हैं अपने डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ बनवाने आए हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मौजूदा में। क्या नाम है आपका? तो आप यहाँ क्या यहाँ पे आई हो, किस लिए? कार्ड बनवाने के लिए। आपको कैसे जानकारी मिली? आशा ने बताया है। तो आइए चलते हैं, आशा से भी बात करते हैं और जानकारी लेते हैं पूर्ण रूप से। तो क्या नाम है आपका? नमस्ते, मेरा नाम अनीता श्रीवास्तव है। तो आपने सभी गांव वालों को जागरूक भी किया होगा? जी, हम लोग तीन लोग हैं मौजूदा में, तीनों आशाएं अपने अपने एक एक हजार की आबादी में सभी को जो है सूचना देती हैं कि छह से ऊपर जो है सफेद कार्ड वाला जो है, छह से अधिक संख्या जिस कार्ड में है उसी का जो है ये आयुष्मान कार्ड 5 लाख वाला दवा का बन रहा है। सब लोग आइए, यहाँ बन रहा है, बनवाइए। जिसका यहाँ नहीं बन पा रहा है वो जो है जन सेवा केंद्र या ग्राम पंचायत में बनता है, वहाँ जाके अपना बनवा। तो एक समस्या ये भी लोगों में आ रही है कि जैसे आधार कार्ड में मोबाइल पहले से लिंक था वो नंबर नहीं है, वो किसी कारणवश नंबर खो गया है या नहीं उनके पास उपलब्ध है, तो उनका आयुष्मान भारत कार्ड कैसे बनेगा? अब जो नया नंबर है तो अपना आधार में लिंक कराए, ऊपर जो बना रहे वो जाने हम लोग जिसका नहीं उठ, उसके लिए जो है ना फीस से भी बनवा सकते हैं, अंगूठा लगेगा आपका, इससे आपका बन जाए, ऐसा कुछ नहीं है कि जिसका नहीं जा रहा नहीं, बस ये दिक्कत है कि यहाँ पे मौजूद नहीं है, बाकी बनेगा सभी का, ऐसा नहीं किसी का जिसका ओटीपी नहीं आ रहा नहीं बनेगा, उसके चेहरे से या फिंगरप्रिंट लगेगा उसका भी। तो ये कब तक, कितने दिनों तक यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मौजूदा में बनेगा आयुष्मान भारत का? फिलहाल ये स्वास्थ्य मेले के लिए यहाँ पे आता है, स्वास्थ्य मेला कैंप आज लगा हुआ है, तो इसी कारण ये आयुष्मान भारत कार्ड बन रहा है। तो और भी लोगों से बात करते हैं जो आए हुए हैं और उनसे भी जानकारी लेते हैं कि आयुष्मान भारत कार्ड कितना लोगों में लाभ देता है, कितने लोगों का कैसे कैसे बनता है। तो आइए और भी आशा से हम बात करते हैं, आप यही पे की आशा है। तो क्या नाम है? तो कैसे क्या लाभ है आयुष्मान भारत कार्ड में? आयुष्मान भारत कार्ड में लाभ है कि सरकार के तरफ से 5 लाख का योजना है, इसका हम गंभीर बीमारी ऑपरेशन जो है गंभीर में इलाज होगा, इसका हम लोग लाभार्थी लोग लाभ ले सकते हैं। तो दवा भी इसमें मिल सकता है लाभार्थियों को? नहीं, दवा नहीं मिल सकता है, ऑपरेशन होगा जैसे गंभीर बीमारी के लिए। अच्छा, केवल ऑपरेशन के लिए आयुष्मान भारत कार्ड है? तो ये अलग अलग बनता है कि एक ही में सभी कुल परिवार के सदस्यों का बनेगा? नहीं नहीं, इस समय तो गोल्डन कार्ड बन रहा है अलग अलग, अगर एक में 5 लोग हैं तो 5 लोग कार्ड अलग अलग बनेगा, एक एक लाभार्थी का, सब अपना अपना 5 लाख का सुविधा ले सकते हैं। अभी कितने जन को आपने जागरूक किया है?
जितने आबादी में है सब लोग को जागरूक कर रहे हैं। तो जैसा आपने देखा कि यहाँ पे आशा से लेकर डॉक्टर साहब तक यहाँ पे बताए कि आयुष्मान भारत कार्ड लोगों में कितना फायदेमंद, कितना लाभ है, और एक जन का अलग अलग बन रहा है, पूरे परिवार का अलग अलग गोल्डन कार्ड बन रहा है आयुष्मान भारत कार्ड, और उनको लाभ भी हो रहा है, उनका ऑपरेशन के लिए है कि दवा के लिए नहीं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, नमस्कार।